बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में चिकन कीमा विद चीज स्लाइस एंड एग की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, डेली बेसिस पर जो भी मेरी वीडियो अपलोड होती है उसको आपने अपने फ्रेंड सर्कल में लाजमी शेयर करना है, जिससे हमें मजीद आपकी लव और सपोर्ट मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से रिक्वायर होंगी। 250 ग्राम हमने उबला हुआ चिकन ले लिया, जिसमें नमक और काली मिर्च डाल के हमने इसको बॉइल कर लिया था। 2 टेबलस्पून हमने चिली गार्लिक टोमेटो केचप ली है। 1 चुटकी हमने काली मिर्च इस्तेमाल करनी है। नमक हसबे जायका इस्तेमाल करेंगे। अंडे के लिए 2 टेबलस्पून हमने होम मेड मायोनेज लिया है, इसको आप मेरे लिंक पर जाकर देख सकते हैं कि किस तरह बनाते हैं। 1 अंडा, 3 जो है हमने चीज के स्लाइस इस्तेमाल किए हैं और साथ में हमने बन लिए हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको किस तरह से हम बनाएंगे। 1 चुटकी जो है हम काली मिर्च लेंगे और 1 चुटकी जो है हम नमक लेकर इसको अच्छे से फेंट लेंगे। चलिए जी, हमने अंडे को अच्छे से फेंट लिया, अब हम क्या करेंगे, इसको तवे पर फ्राई करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने एक तवा ले लिया, तवे को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया। अब मैं जितने हमारी ब्रेड्स हैं या बन हम इसको सेक लेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर हल्का सा घी लगा सकते हैं, लेकिन मैं बगैर घी के इसको जो सेक रही हूँ। चले, जो हम सेकते जा रहे हैं उसको करते जाएंगे साइड पे। अब हमारे सारे बन सेक कर हमने रेडी कर लिए। अब हम लेंगे थोड़ा सा तवे पर घी, अब ऑयल डालेंगे और अंडा फ्राई करेंगे। मैंने अब ले लिया तवे पर थोड़ा सा ऑयल, 3 से 4 टेबलस्पून। अब अंडा मैं जो है बीट करके बन के हिसाब से आपने अंडे की टिक्की बना लेनी है। ये देखें जी, हमने अंडे की टिक्की बना ली। सेम इसी तरीके से हम बाकी अंडे की टिक्कियां भी रेडी कर लेंगे। इसको भी उतारेंगे। आप चाहें तो एक अंडे से पूरी एक टिक्की भी बना सकते हैं, लेकिन हमने 3 बनाई है क्योंकि बन का साइज नॉर्मल है। चलिए, अब हमारे सारे अंडे जो है वो पक चुके हैं। ये देखें व्यूअर्स, अंडे हो गए हमारे फ्राई। इसको भी अब करती हूं मैं साइड पे। अब लेंगे हम बंद और ऊपर वाले मैं कर लूंगी साइड पे इनके कवर्स। सबसे पहले मैं लगाऊंगी केचप और इनको हम अच्छे से कर लेंगे स्प्रेड, फैला लेंगे अच्छे से। अच्छा, मैंने अभी मायोनीज जो है वो छोड़ा है, मैं ऊपर सबसे टॉप पर मायोनीज की टॉपिंग करूंगी। ये मैंने तीनों जो ऊपर की टॉप वाले कवर्स थे उनको ले लिया है। अब मैं इनके ऊपर लगाने लगी हूँ मायोनीज। अब हम इसको भी अच्छे से कर लेंगे स्प्रेड। चलें, अब ये तीनों पर भी अच्छे से जो हमारी मायोनीज है वो सेट हो गई है। अब हमने क्या करना है, ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको केचप लगा के अच्छे से स्प्रेड कर लिया है। अब हम चिकन डालेंगे इनके ऊपर, और जो ऊपर वाले आप देख रहे हैं बंस, इनका टॉप, इसके ऊपर भी हमने मायोनीज लगा दी है। ये बाजार से जो मिलते हैं चिकन बर्गर, उससे बहुत ही आपके साफ सुथरे यमी और टेस्टी होंगे इंशाल्लाह। जितनी इसकी स्पेस है आप उतनी इसके ऊपर। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगी, अंडा लूंगी इनके ऊपर, अंडा लगाती जाऊंगी। और ये वाला टॉप इसके ऊपर हम इस तरह रखते जाएंगे। अच्छा, एक बर्गर में जो है मैं लास्ट पर इसके अंदर, लास्ट पर हमने लगानी है चीज,
चीज स्लाइस हम इस तरह खोल कर इसके ऊपर रखते जाएंगे और खाएंगे। आप जब इसको घर पे ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो चिकन चीज एग जो बर्गर है बहुत ही यमी बनता है और बहुत ही इसका जो टेस्ट है वो बहुत रिच होता है। और इसके साथ ही आज की हमारी जो वीडियो है वो कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।